उस भी कर लिया क्या ये मच्छर टैलेंट मैंने उसको बेहोश किया मारा नहीं है हाय यू गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माय नेम इज खुशी एंड टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ होल वीडियो सो मेरे पास काफी सारे प्रोडक्शन लाइक like कुछ मैंने नायका की सेल से लिए थे जो आई थिंक जुलाई में थी एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने जुलाई में परचेज किए अगस्त में परचेज किए सो मैंने इन सबको रिसेंटली परचेज नहीं किया मैं इनको काफी टाइम से यूज भी कर रही हूँ सो so मैंने सोचा क्यों ना एक हॉल वीडियो बनाया जाए सो इफ फिर समन इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी ही ट्वेंटी के सब्सक्राइबर्स हो जाए एंड ना विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट नायका हॉट पिंक सेल की बात की तो उसी से स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक वो जुलाई में थी तब मैंने तीन प्रोडक्ट्स परचेज किए थे सो द फर्स्ट वन इज दिस री स्टॉक ऑफ गार्ड माइसेला वाटर इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया जो मेरा पुराने वाला है वो अब इतना सा ही बचा है क्योंकि मैं माइसेला वाटर काफी ज्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ स्पेशली अपना आई मेकअप हटाने के लिए क्योंकि मेरे पास जितने भी मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट्स है वो आई वाले एरिया में बर्न होते हैं सो so, या yeah, इसीलिए इसको अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है सेल पर काफी अच्छे डिस्काउंट पे था इसीलिए मैंने इसको परचेज कर लिया सेकेंड प्रोडक्ट विच आई परेज इज दिसरियाल का हेर सीरम मैंने इसको इतना यूज भी कर लिया बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग इट आउट क्योंकि काफी सारे लोग लाइक लोगों को प्यार है इस प्रोडक्ट से एंड इनका बड़ा साइज भी आता आई ट्राई दिस एंड आई थिंक थर्टी थर्टी फाइव परसेंट ऑफ पे था सेल के टाइम पे आई रियली लाइक द टेक्स्चर आई रियली लाइक द स्मेल बट स्टिल मैं थोड़ा और इसको यू नो ट्राई करूंगी एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने नाइका की सेल से लिया था वो ऑज दिस आई लाइनर फ्रॉम ब्लू हेवन क्योंकि मेरे पास आई लाइनर नहीं था मेरे पास था बट मेरे पास यू नो वो और बॉटल वाला था जिससे मुझसे नहीं लगता लाइक आई नीड अ पेंसिल वाला जिससे मैं लगाऊं एंड दिस वाज द चीपेस्ट वन इसी इसीलिए मैंने ये लिया एंड लाइक आज कैन इसकिन आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू अप्लाई आईलाइनर एंड मैंने डिसाइड किया कि इस साल यू नो मैं बहुत फ्रीकुंटली आई लाइनर ताकि मेरे को पकड़ बैठ जाए क्योंकि मैं इतने सालों से आई लाइनर से मैं बहुत कम लगाती हूँ आईलाइनर लाइक like मैं बहुत ही ज़्यादा कम लगाती हूँ सो या लाइक आई एम लाइक यहाँ पे थोड़ा खराब भी हो गया लग भी गया सो या मैं इसको यूज कर इट इज़ गुड आई डोंट थिंक इट इज़ वाटर प्रूफ और एनी बट अगर इफ यूर अ बिगिनर लाइक दिस इज गुड सो पिलग्रिम की बाय वन गेट वन सेल हुई थी ये बर्थडे वाली नहीं उससे पहले एक सेल हुई थी आई थिंक जुलाई एंड या अगस्त की स्टार्टिंग में एंड मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया बट फिर मैंने सोचा इसको कैंसिल करने का बट कैंसिल का ऑप्शन नहीं आया और ये प्रोडक्ट्स में बस आ गए सो सर लाइक यू नो चलो ले ही लेते हैं सो द फर्स्ट वन विच आई हैव इज देयर स्कॉलिन अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन एस पी मैंने इसको आई थिंक अच्छा खासा यूज़ कर लिया है लाइक like, इसका रिव्यू भी आपको जल्दी मिल जाएगा एंड हाउ मच या इट्स फॉर सेवन हंड्रेड रुपीज़ एंड यू गेट फिफ्टी ग्राम्स बट पिलग्रम की भी काफ़ी अच्छी खास बाई वन गेट वन आता ही रहता है सो so, या yeah, इसका रिव्यू मैं उसी में दूंगी एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय वन गेट वन था तो मैंने साथ में ये मंगाया ये है उनका हेयर सीरम है ये बेसिकली हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहा हूँ ऑब्वियसली इसको तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा एंड uh, मैंने इसको यहाँ तक यूज़ कर लिया है एज यू गाइ स्किन सी सो या आई एम स्टिल ट्राइंग इट आउट देखते हैं कैसा काम करता है लाइक like, मुझे एकदम हल्की हल्की ग्रोथ दिख रही है लाइक like, आई डों नो इफ यूगा इस जैसे ये वाला बाल एंड ऑल सो या लाइक हल्की हल्की थोड़ी ग्रोथ दिख रही है बट लाइक या मैं इसको और अच्छा खासा ट्राइ करूँगी आर सीन शमाप्ती शी लवस दिस हेयर सीदम इसीलिए मैंने ट्राई करते हैं एंड इफ दिस वर्क लाइक बाय वन गेट वन पे अच्छे डील में मिल जाएगा बिकॉज आई थिंक इट ट्रीट गर्स और एट फिफ्टी रुपीज एंड यू गेट फिफ्टी एम एल सो फिफ्टी एम एल है तो आपको एट एट फिफ्टी में हंड्रेड एम एल मिल जाएगा अगर बाय वन गेट वन हुआ तो, तो इसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी एंड ऑल्सो इफ इफ ट्राइट दिस दें डू लेट मी नो फिर मैंने तीन प्रोडक्ट्स लिए एक इंस्टाग्राम स्किन केयर थ्रिफ्ट स्टोर से बेसिकली दो हैं जहाँ पे मैं यू नो परचेज करती रहती हूँ दोनों के लिंक मैंने अपने ऑर्डनरी वाले वीडियो में भी दिए इसमें भी दे दूंगी काफी लोग इन्होंने मुझे टेक्स्ट करते कमेंट करते हैं प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं, मैं दोनों इंस्टाग्राम थ्रिफ्ट स्टोर्स का प्रोफाइल लिंक दे दूँगी आप क्लिक करेंगे सीधा उनका लिंक पर जाके खुलेगा सो so, या साथ में मैंने ली थी ये दो चीज़ें जो यू नो कू कूपन बोल रही हूँ ये दोनों ऑफर में थी बेसिकली दोनों मुझे फाइव हंड्रेड रुपीज़ की पड़ी सो द फर्स्ट वन इज द सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन फ्राम डॉक्टर शेज बहुत हाई डब है लाइक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है आई हैव यूज दिस वंस और ट्वाइस सो आई स्टिल नीड अच्छा खासा टाइम टू ट्राई इट एंड समन लाइक टोल्ड मी वन ऑफ यू गाइज की uh, यह सनस्क्रीन तो अच्छी लगी आपको बट इसने टैन में कुछ हेल्प नहीं की बेसिकली नो टैन प्रिवेंट नहीं किया सो so, या yeah, देखते हैं उसका क्या था क्योंकि मेरा बताऊ इशू क्या है मैं उतना जल्दी टैन नहीं होती हूँ तो मैं सनस्क्रीन का उतना बता नहीं सकती कि टैन कर रही है नहीं कर रही बाकी सारी चीज़ें मैं बता दूंगी वाइट कास्ट वाटर स्वेटर डेंट फ्रेग्रेंस फ्री एंड ऑल वो सब मैं बता दूंगी बट बत टैन का क्या है मैं उतना जल्दी टैन नहीं होती हूँ सो या अगर इफ आ, अगर आपने ट्राई किया तो देन डू लेट मी नो एंड फिर इसी के साथ मैंने लिया था ये लनेज का क्रीम स्किन टोनर एंड मॉइस्चराइजर लोग लाइक इसके पीछे तो लाइक नेक्स्ट लेवल स्पेशली इंटरनेशनल जो यू नो ब्यूटी ब्लॉगर्स एंड स्किन इन्फ्लुएंसर्स है उनका मैंने काफी ज्यादा सुनाया इंडिया में भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है दिस रिटेल्स फॉर सेवन फिफ्टी रुपीज़ लाइक ओनली फिफ्टी एम एल यू गेट फॉर सेवन फिफ्टी रुपीज एज स्किन से मैंने इतना ट्राई कर लिया एम स्टिल ट्राइंग गेट आउट मेरी कभी भी स्किन इिरीटेटेड या हल्की सी रेड रहती है तो आई ट्राई दिस यू नो देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद है मैंने इसकी दो से तीन लेयर भी लगा के देखा बिकॉज यर माई स्किन इज नॉट सो ऑयली सो लाइक या इसका रिव्यू भी बहुत जल्दी मिलेगा एंड नाउ मूविंग ऑन टू सम स्टअप जो मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है लाइक कल ही लिया है फर्स्ट इज दिस हिमालय का बॉडी लोशन क्योंकि मुझे रियलाइज हो बस कोई भी बॉडी लोशन नहीं है लाइक आता था सुगंधाज लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन विच आई डोंट यूज़ एवरी डे सो मैंने ये लिया लाइक like, काफ़ी चीप पड़ गया था आई थिंक ये वन एट्टी रुपीज़ का है सम थिंग वन सिक्सटी का है बट आई थिंक मुझे हंड्रेड तक का पड़ गया था एंड स्मेल इसकी काफ़ी अच्छी ही नो चॉकलेट कोको क्योंकि ये आई थिंक या वही वाला इसका वर्जन है सो so, या मुझे एक बॉडी लोशन चाहिए था तो मैंने ये लिया एंड नेक्स्ट थिंग यू नो जिस पर मैं वापस आ ही गई हूँ इज दिस हिमालय का नीम प्योरिफाइंग फेस वॉश आई वॉज लाइक यू नो आई कैन ट्राई दिस क्योंकि मैंने एक तरह से पूरा इसको यू नो यूज़ करना बंद कर दिया था जबकि मैं इसको पाँच छः साल उसे यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ लाइक आई हैव टू से दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल फेस वॉश विच आई है एवर यूज़ सो आई वज लाइक यू नो वाई नॉट री ट्राई दिस एंड क्योंकि अगर ये काम करके तो दिस देन इट इज़ लाइक रियली गुड बिकॉज दिस इज़ रियली 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 अफोर्डेबल मूविंग ऑन मैंने एक चीज मंगाई एमेज़ॉन से विच इज़ दिस जूल्स गैलेक्सी का एक ईयर सेट एंड जूल्स गैलेक्सी इज समथिंग इनसे मैंने लास्ट ईयर आई थिंक 2020 में मैंने कुछ ज्वेलरी ईयरिंग्स एंड ऑल लिए थे सो so, मैंने मंगाया ये सिक्स ईयरिंग्स का सेट दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स जो मैंने पहन रखा है फॉर टू सिक्सटी रुपीज़ विच आई थिंक इज़ नॉट बैड बट मीशो पे इससे भी कम्पेयर है टू फोर्टी रुपीज़ में आ so रहा है सो आपको लेना है तो आप मीशो से ले सकते हो सो so, ईयरिंग्स की बात करें तो आई लव आई लव ईयर लाइक स्पेशली दीज गोल्ड हुब्स लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज इवन इफ यू वेयर अ नॉर्मल व्हाइट टी शर्ट जींस एंड शूज़ एंड उस पर आप ये हुब्स डाल लो गे तो काफ़ी ज़्यादा यू नो आपका आउटफिट एकदम हटके हो जाता है काफ़ी अच्छा लगता है एंड टॉक दीज ये मैंने एक्चुअली बैंड्रा से ले थे अभी अप्रैल में जब मैं मुंबई गई थी एंड वो इतनी बुरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बट इस बार मैं इनको संभाल के रखूंगी पिछली बार मैंने बहुत बुरी तरह की से इसे रखे थे कभी भी कहीं भी फेंक देती थी उन पर पानी लग जाता था परफ्यूम लग जाता था मैं ध्यान नहीं देती थी मेरे काफ़ी सारे स्किन केयर वीडियोज में तो मैंने इसको पहन रखा है लाइक जो मेरे पुराने वाले थे एंड उनपे पूरा अच्छा खासा पानी लग रहा है एंड वो पूरे ऑक्सीडाइज हो गए सो इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा संभल के रहूँगी रखूँगी इन सब को क्योंकि मैंने यू नो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे सेलर्स को देखा जो बेसिकली वाटर वाले बेचते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं यू you नो know, आप उन परफ्यूम भी डाल सकते हो तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे बट दे वर सो एक्सपेंसिव लाइक एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड का ये होप वाला है आई कांट अभी तो रहने दो तो फिलहाल के तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा एंड आई रियली लाइक दिस मूविंग ऑन आई हैव फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम काइंड लाइफ सो काइंड लाइफ इज अ वेबसाइट वे यू गेट इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड काफ़ी अच्छी उनकी सेल चलती रहती है मैं अपने Instagram पे डालती रहती हूँ उनके सेल के आर में आई डू हैव डिस्काउंट कूपन विद दम विच आई विल पोस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल आप देख सकते हो कूपन कोड के एंड आपको भी यू नो एक्स्ट्रा ऑफर मिल सकता है सो लेट्स स्टार्ट विद मिनिमलिस प्रोडक्ट्स क्योंकि आई रियलाइज कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मिनिमलिस के प्रोडक्ट्स ट्राई किए लाइक काफी ज़्यादा आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने उनका लास्ट प्रोडक्ट क्या लिया था सो याम फर्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस ओट एक्सट्रैक्ट क्लेंजर ये उनका ओट क्लेंजिंग क्लेंजर है एंड मैंने आपको बताया है कि यू you नो know, मेरी स्किन कैसे सुबह ऑयली फील नहीं करती इट फील्स एब्सोल्युटली नॉर्मल कोई ऑयल नहीं रहता दैट्स व्हाई आई वांटेड अ क्लेंज़र जो यू नो फोम अप ना हो काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो एंड इसकी बात करें तो मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया मेरे पास ये पड़ा है आई थिंक एक वीक हो गया बट आई एम लाइक या इसको ट्राई करेंगे सो यार लाइक मैंने इसका टेक्स्चर ऑल फील किया है तो मैंने इसको ओपन कर लिया इसलिए मैंने इसकी डेट लिखी है बट मैंने इसको फेस पर अभी तक ट्राई नहीं किया सो आई विल ट्राई दिस यू नो इसके भी काफ़ी मिक्सड रिव्यूज़ हैं एंड दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने मिनिमलिस से लिया इज़ देयर एस पी एफ थर्टी बॉडी लोशन सो मुझे ट्राई करना था मैं काफ़ी टाइम से वैसलिन ट्राई करती थी एंड मेरा क्या है वैसलिन मैं यहाँ से घर से लगा के जाऊँगी और इसको मैं बैग में कैरी कर लूँगी अगर मेरे बैग में जगह रही ताकि मैं हाथों पर रीअप्लाई कर सकूँ बिकॉज हाथों का इज समथिंग यू नो मेरा टैन काफ़ी ज़्यादा है सो आई इज लाइक आई इज़ लाइक यार मैं इसको ले लेती हूँ मैं इसको ट्राई भी करूँगी एंड क्वान्टिटी अच्छी है वन फिफ्टी ग्राम्स बट द प्राइसिंग इज़ फोर नाइनटी नाइन विच आई थिंक इज़ लिटिल प्राइसी फॉर यू नो बॉडी एस पी एफ एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने लीज दिस फेस शॉप की बहुत ज़्यादा फेमस लिप एंड चीक टेंट जिसको मैंने बताया कि एक ही बार यूज़ किया है यूजिंग माई फिंगर्स ओनली एंड मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आई है एंड मेरे लिप्स पर लाइक like, मैंने इसको ट्राई किया मैंने बेसिकली इसका जो वॉन्ट था वॉन्ट से हाथ पे लेके लिप्स पे ट्राई किया मेरे लिप्स पे बहुत गंदा शेड आ रहा है लाइक इट्स नॉट सूटिंग माई फेस एंड यू गाई नो आई डोंट यूज़ रेड और पिंक लिपस्टिक्स मे भी अच्छी भी नहीं लगती मैं मोस्टली न्यूड ब्राउन इन्हीं सब में लगाती हूँ सो यार मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया सो लाइक आई माइट ट्राई दिस एंड इफ नॉट आई विल गिव दिस टू माई सिस्टर एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने परचेज की है इज दिस नुआ के एक्ने पिम्पल पैचेस सो यू नो मुझे मैंने सैल्सलिक uh, एसिड वाले जो डोवा को वाले वो काफ़ी टाइम से मैं वही यूज़ कर रही हूँ आई थिंक मैंने उनके दो पैकेट्स ख़त्म कर दिए आज लाइक यू नो लेट्स ट्राई समथिंग यू अभी मुझे एक्टिव आतनी फ़िलहाल तो एक भी नहीं है पर uh, जब भी आएंगे सो आई विल डेफिनेटली लाइक ट्राई दिस एंड या लाइक ये पूरा अभी तक तो बंद ही पड़ा है अभी तक मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया एंड आई टेल यू मुझे पता है मुझे पिम्पल्स आने वाले बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई विल भी गोइंग बैक टू गोवा दिवाली के लिए तो so, मैं दिवाली के लिए जाऊंगी एंड गोवा का ह्यूमिडिटी वेदर आई नो इट विल ब्रेक मी आउट लाइक एनी थिंग सो लाइक यहाँ उसी के लिए मैंने ले लिया एडवांस में एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने ली दिस बैम्बू टूथब्रश मैं ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से बैंबू टूथब्रश यूज कर रही हूं ये दो का सेट था एक मेरे वॉशरूम में है क्योंकि उससे पहले वाला जो था उसको आई थिंक मुझे काफी टाइम हो गया था तो इसीलिए मैंने उसको चेंज कर दिया तो ये काफी अच्छे हैं दीज आर सुपर जेंटल यू नो बाकी ब्रशेस के साथ क्या होता है आप स्टार्टिंग में उनको यूज करते हो तो आपको थोड़ा यू ना छुपता है नॉर बट ये बैम्बू ब्रशेज के साथ ऐसा नहीं है एंड दीज आर लाइक रियली रियली गुड एंड नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग बेसिकली लास्ट थिंग जो मैंने परचेज की इज माई ऑल टाइम फेवरेट क्लेंजर दैट इज़ दिस फॉक्सटेल का डेली डुएड जेंडर क्लेंजर और ये नई वाली पैकेजिंग मुझे मिल चुकी है इससे पहले जो मैंने तीन बॉटल्स खत्म की तीन मैंने तीन बॉटल्स ख़त्म कर दिए वो भी इनके बड़े वाले आ, फेस वॉशेस की आ, ये इनकी न्यू पैकेजिंग विच इज़ लाइक मोर ट्रैवल फ्रेंडली एंड मैं भूल गई कौन सा न्यू वाला है कौन सा ओल्ड वाला आई थिंक ये ओल्ड वाला है ये थोड़ा हल्का फील हो रहा है सो so, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मैं अपने बाथरूम से उठा के लाई और ये न्यू वाला जो मेरी सूटीज़ Suit, जो मेरी सूट के इसके अंदर था सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो एंड डो लेट मी नो इनमें से किसका रिव्यू आपको सबसे जल्दी चाहिए ताकि मैं सबसे जल्दी दे दूँ एंड इनमें से अगर कुछ भी ट्राई किया है तो डो लेट मी नो योर एक्सपीरियंस बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो थैंक यू